हाय फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो गाड़ी के गियर लीवर के ऊपर है कि अगर आपका गियर लीवर बाय चांस फ्री हो जाता है या गियर लीवर की जो वायर्स गई होती हैं गियर बॉक्स तक, उसकी अगर वो कोई वायर डैमेज हो जाती है या टूट जाती है, तो उस कंडीशन में जब गियर फ्री हो जाता है, गियर लीवर फ्री हो जाता है, कोई भी गियर नहीं डलता, तो आपको उस कंडीशन में गियर को कैसे इंगेज करना है। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसको आसानी से करना है। और ऐसी प्रॉब्लम अगर आपके साथ कहीं बार आ जाती है, आप कहीं टूर पे होते हो और आ जाती है और मैकेनिक आपको अवेलेबल नहीं होता, तो आप मैकेनिक के पास कैसे जा सकते हो गाड़ी को लेके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहें। तो चलिए मैं आपको पहले गियर लीवर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये गाड़ी का गियर लीवर है। किसी आप देख सकते हैं कि नॉर्मली हम जो गोई गियर हैं वो उसके ऐसे एडजस्ट करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, और ये हमारा आ गया रिवर्स गियर। ठीक है, अगर आपकी जो गियर की वायर है जो गियर बॉक्स तक गई होती है, अगर वो डैमेज हो जाए, तो उस कंडीशन में जो गियर है वो बिल्कुल फ्री हो जाता है। वैसे तो ये न्यूट्रल है, आप मान लीजिए कि फ्री है, कि फ्री हो गया है, तो जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनको कई बार मैकेनिक है वो अवेलेबल नहीं हो पाता, तो इस कंडीशन में जो आपके साथ बंदा है आप उसको बता के जो गियर है उसको एंगेज कर सकते हैं। गियर एंगेज करने के लिए आपको गियर बॉक्स के पास जाना पड़ेगा और इस कंडीशन में एक बंदा अंदर बैठेगा जो कि गाड़ी को स्टार्ट रखेगा, क्लच पेडल दबा के रखेगा, और दूसरा बंदा गियर को जो है एंगेज करेगा। अगर फ्रेंड्स आप पहाड़ी एरिया में हैं तो इसको फर्स्ट गियर में एंगेज कर लें, और अगर आप प्लेन एरिया में हैं तो इसको सेकेंड या थर्ड गियर में एंगेज कर लें, जिससे कि आपकी जो गाड़ी की स्पीड है वो भी नॉर्मल 30 या 40 तक चली जाए, और अगर आपको गाड़ी कहीं खड़ी करनी पड़ जाए तो आप उस गियर में दोबारा उसे वहाँ से चला सकें आसानी से, जिससे कि गाड़ी आपकी बंद ना हो, क्योंकि पहाड़ी एरिया में चढ़ाइयाँ होती हैं तो बार बार गियर आप एंगेज नहीं कर सकते, क्योंकि गियर एक बार ही एंगेज होगा और गियर एंगेज करने के लिए आपको सिर्फ एक बंदे की ज़रूरत भी पड़ेगी। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको गियर कैसे एंगेज करना है, और ये गियर जो चेंज करने के सिर्फ ऑल्टो K10 में है, क्योंकि बाकियों के जो गियर्स हैं वो नीचे की तरफ होते हैं और जो ऑल्टो K10 है गियर्स वो ऊपर की तरफ होते हैं गियर बॉक्स का। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ कि इसको अब कैसे एंगेज करना है। तो चलिए बाहर चलते हैं, इसके लिए आपको बोनट खोल के गियर बॉक्स देखना है। तो आप ये देख सकते हैं, ये इसका गियर बॉक्स का मैकेनिज्म है जितना भी है सारा। तो आपको अगर फर्स्ट गियर शिफ्ट करना है तो आपको जो ये है इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ प्रेस करोगे तो ये आगे की तरफ आएगा, ये नीचे की तरफ, ठीक है। और ये देख सकते हैं कि जो ये ऊपर नीचे हो रहा है इस गाड़ी का न्यूट्रल है, ठीक है। और आप नीचे की तरफ करके इसको अगर अपने लेफ्ट हैंड साइड को करेंगे ऐसे, तो ये फर्स्ट गियर एंगेज होगा, ठीक है। और इसको लगा के आप पहाड़ी एरिया में चल सकते हैं। एक बंदा अंदर क्लच दबा के बैठे और दूसरा बंदा इस गियर को एंगेज कर दे, आपका गियर जो वो है वो एंगेज हो जाएगा, जो फर्स्ट गियर है उसमें गाड़ी डल जाएगी, ठीक है। और अगर आपको सेकंड थर्ड गियर डालना है तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे पीछे करें और इसे राइट हैंड साइड को, मतलब कि आपका ऊपर वाले लेफ्ट को जाएगा और नीचे वाला राइट को जाएगा, तो आप नीचे वाले पर ध्यान दीजिए। आपको हाथ से इसको ऊपर से लेफ्ट ही करना है और ये राइट में चला गया, और आप देख सकते हैं कि जो गियर है वो सेकंड गियर इसका लग गया। और इसी कंडीशन में आपका जो थर्ड गियर है, आपको थर्ड गियर लगाना है, तो आप इसको थोड़ा सा पीछे करें और इसको हल्का सा ऊपर उठा के पीछे कर दें, ये आपका थर्ड गियर लग गया, ठीक है। और अगर आपको बैक गियर लगाना है तो आप इसको पीछे करें, आप इसे न्यूट्रल में होगी, फिर से न्यूट्रल में होगी ये वाली, ठीक है। तो आपको ऊपर उठा के इसको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ करना है, ये इसका बैक गियर आ गया। आप सुन सकते हैं कि बैक गियर की आवाज़ ऐसे ही आती है हर गाड़ियों में, तो आप सुने आवाज़ बैक गियर की, ये इसका बैक गियर एंगेज हो गया। तो इस कंडीशन से जो आप गियर है वो एंगेज कर सकते हैं, अगर आपके जो गियर लीवर है वो फ्री हो जाता है, और या कोई इसकी जो ये वायर्स होती हैं आप देख सकते हैं, इसकी जो ये वायर्स हैं ये वाली वायर्स, ये अगर टूट जाती हैं या डैमेज हो जाती है तो इस कंडीशन में आप गियर ऐसे डाल सकते हैं। आपको मैं फिर से बता देता हूँ
ये इसका न्यूट्रल हो गया, ठीक है। आप नीचे को दबा के इसको जो ये है इसको लेफ्ट वाली साइड करेंगे, ये लेफ्ट वाली साइड, ये फर्स्ट गियर, ठीक है। और फिर पीछे करेंगे, फिर ये न्यूट्रल में आ गई, और उसके बाद दबा के इस आप इसको राइट वाली साइड करोगे तो ये सेकंड गियर में हो गया, ठीक है। और फिर आप इसको छोड़ दोगे, ये नॉर्मल सेंटर में आ जाएगा। आप देखते हैं एक बार ये नीचे की तरफ जा रहा है और मैं ऊपर रखूँगा, ये ऊपर को भी आएगा, ये ऊपर को भी आ रहा है। आप इसको अगर सेंटर में रखोगे और आप इसको लेफ्ट वाली साइड करोगे, लेफ्ट वाली साइड, तो ये थर्ड गियर में, और यहीं से सेम पीछे को राइट वाली साइड को फोर्थ गियर, ठीक है। और ये फिर न्यूट्रल में आ गई, और आप इसको हल्का सा ऊपर की तरफ उठाना है, ऊपर की तरफ इसको ऊपर उठा के फिर आप इसको लेफ्ट वाली साइड करोगे तो फिफ्थ गियर लग जाएगा, और फिर पीछे करोगे तो फिर न्यूट्रल में आ जाएगी। और इसको दोबारा फिर ऊपर उठा के अगर आपको बैक गियर लगाना है तो आप इसको पूरा ऊपर उठाएं और इसको राइट वाली साइड को पुश करें, और आप सुन सकते हैं कि जो बैक गियर की साउंड है वो आ गई है और इसका जो बैक गियर वो एंगेज हो गया है। तो इस टाइप से आप गाड़ी के जो गियर्स हैं गियर लीवर फ्री होने पे ऐसे एंगेज कर सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए एक बंदे की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आप चाहें तो आपके साथ कोई बंदा है आप उसको भी बता सकते हैं क्या वो ऐसे कर दे, क्योंकि एक बंदा अंदर बैठ के क्लच पेडल दबा के रखेगा, क्योंकि अगर स्टार्ट गाड़ी में अगर आप ऐसे अकेले करते हो तो जैसे आप गियर एंगेज करोगे गाड़ी चलने स्टार्ट हो जाएगी, ये गाड़ी जोर का झटका लेगी अगर आपने गाड़ी को हैंड ब्रेक पे लगा रखा है। तो अकेले ऐसा ना करें, क्योंकि ऐसा करने से कोई एक्सीडेंट हो सकता है। आप हमेशा दूसरे बंदे से गाड़ी स्टार्ट करवा के गियर डलवा सकते हैं, जो गियर है वो एंगेज हो जाएगा। फर्स्ट लगा लें, सेकेंड लगा लें, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, बैक, आपको जो भी गियर लगाना आप यहाँ से आराम से लगा सकते हैं। ये सिर्फ ऑल्टोकेट ऐसी गाड़ियों में जो सुजुकी गाड़ियों में उनमें कर सकते हैं। और अगर ऐसे मैकेनिज्म आपको किसी और गाड़ी में मिलता है तो आप भी सेम उसी इसी तरीके से उसी गाड़ी में ऐसा कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इसी टाइप से आप गियर को एंगेज करें और गाड़ी को आराम से मैकेनिक तक ले जाएं और अपनी जो वायर्स हैं वो नहीं डलवा लें या जो भी कोई और प्रॉब्लम है वो करवा दो। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।